नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों के। केसरी हिंदू वाहिनी सनातन कल्याण समिति के बैनर तले सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के समस्त पुजारी द्वारा कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के बंगले का घेराव कर मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुजारी के विरोध में निकाले गए आदेश के विरोध में एक ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सुवासरा विधानसभा के सभी पुजारी अधिक से अधिक संख्या में पधारे और मंत्री के समक्ष अपने पक्ष को रखा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर ताकत से उठाएंगे। इस अवसर पर मंत्र जितेंद्र दास ने कहा कि अगर मंदिर भूमि नीलाम होती है तो हम मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे और भोपाल में उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव नटवर दास बैरागी, तहसील अध्यक्ष अनिल रावल, सत्यनारायण दास बैरागी, घनश्याम दास, कैलाश द्विवेदी, अन्य सदस्य उपस्थित रहे हैं। मैं आज स्वयं उपस्थित होकर अपने कार्यालय आपके कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचा हूं। इस ज्ञापन पर मैं आपसे आशा करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के सम्मान में आप नीलामी जैसे घृणित कार्य बंद करें। इस ज्ञापन का वाचन करने के अधिकार मेरे सेवादार पुजारी को दे रखा है, वह ज्ञापन का वाचन करेगा। आशा करता हूं कि आप मेरी संपत्ति की नीलामी के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करेंगे और प्रशासन हस्तक्षेप में मठ मंदिरों को मुक्त करेंगे। मैं भगवान स्वयं ब्रह्मांड रचिता। मंत्री जी को किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज द्वारा विधानसभा के सभी पुजारी और केसरिया हिंदू वाहिनी सनातन कल्याण समिति के बैनर तले हम लोग एक मंत्री जी को ज्ञापन दिए। ज्ञापन में जो सरकार ने जो अभी आदेश निकाले 10 एकड़ जमीन छोड़ करके हिंदू मठ मंदिर के 10 एकड़ जमीन पुजारी को छोड़ करके और बाकी जमीन नीलाम करके, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सरकार बीजेपी के सरकार ये मान ले रही, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है तो ऐसी सरकार से उपेक्षा क्या करें हम। इसीलिए हम लोग सब दुखी होकर के भगवान को ले करके मंत्री जी के आज ज्ञापन दिए, उनसे निवेदन किए कि अगर ये नीलामी बंद नहीं होगी तो हम पूरा मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।